छत्तीसगढ़ में पटवारी संघ की हड़ताल जारी रहेगी। राजस्व सचिव से मुलाकात रही बेनतीजा और पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब भी जारी है। 32 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों की हड़ताल जारी है। राजस्व से जुड़े काम इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े जो काम है इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में पटवारी संघ की जो हड़ताल है उससे आम जनता को भी परेशानी हो रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी परेशानी हो रही है, लेकिन हड़ताल जारी रहेगी क्योंकि राजस्व सचिव से जो मुलाकात हुई है प्रदर्शनकारियों की वो बेनतीजा निकली। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल इसीलिए जारी है, अपनी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों की हड़ताल जारी है। इस खबर पर भी अधिक जानकारी के लिए रुक करूंगी मेरे सहयोगी रोहित का, मेरे साथ बने हुए हैं। रोहित, राजस्व सचिव से जो मुलाकात हुई वो बेनतीजा रही, इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है, अब आगे क्या रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए हड़ताल का चौथा दिन है और चौथे दिन भी हड़ताल जारी रहने वाली है और 32 सूत्री मांगों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी की बात वो भुइया सॉफ्टवेयर ऐप में करते हैं और इसी तमाम मांगों को लेकर वो राजस्व सचिव के पास भी पहुंचे थे, लेकिन राजस्व सचिव उनको मनाने में असफल नजर आए, उनको मना नहीं पाए, ना कि हड़ताल वापस ले पाए, जिसके बाद से आज भी तूता स्थित धरना स्थल पर और तमाम जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन जारी रहेगा। बड़ी संख्या पे पटवारी जो है वो पहुंचते हैं, पहुंचने के साथ वहां पे प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। 32 सूत्री मांगों पे जो इंटरनेट का भत्ता है, इसके साथ ही जो भत्ते हैं वो दिया जाए, इसके अलावा जो भुइया सॉफ्टवेयर ऐप में गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को देर किया जाए और जो कार्यालयीन समय होता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का, उस दौरान जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम करे, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार जो हड़ताल है वो की जा रही है। आज भी तूता धरना स्थल पे तमाम पटवारी बैठेंगे। बिल्कुल, अभी तक जो बातचीत हुई है उसका तो कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि आगामी दिनों में इस पर कुछ संज्ञान लिया जाएगा और बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए।